फर्जी अभिलेखों के आधार पर कर रहे नौकरी करने वालों की उल्टी गिनती शुरू। जल्दी टीम बनाकर होगी जांच, दोषी पाए जाने पर जाएंगे जेल, ऐसा कहा है एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने। शिक्षक की नौकरी करने वाले दो जालसाज हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि गोंडा में उमरी बेगंज क्षेत्र के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार मौर्य ने कूट रचित व फर्जी अभिलेखों के माध्यम से शिक्षक बनकर नौकरी प्राप्त किया था, जिसमें दो जालसाजों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। मामला संज्ञान में आते ही गोंडा के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा अपनी हरकत पर आ गए और थानाध्यक्ष उमरी बेगमगंज को तत्काल गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। लेकिन काफी दिनों से अभियुक्त फरार चल रहे थे, लेकिन प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने शीघ्र गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज व क्षेत्राधिकारी तरफगंज को लगाया। जनपद गोंडा में जो फर्जी शिक्षकों के संबंध में मुकदमे लिखे गए थे, उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए हमारे एडिशनल एसपी और सीओ साहिबान के नेतृत्व में टीम गठन की गई थी। इसी के तहत थाना उमरी बेगमगंज टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दो फर्जी शिक्षक जो कि फ्रॉड टीचर बन के जनपद में कार्य कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। श्रीधर पुत्र बांकेलाल, ये जनपद हरदोई का रहने वाला, और श्रीराम यादव पुत्र अशरफी यादव, रानी डीहा थाना गोरखपुर, ये दोनों फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। एवं पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि अपने बीएड की एवं टैट की जो मार्कशीट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो फर्जी लगा के इन्होंने नौकरी प्राप्त की थी एवं ये एक फ्रॉड टीचर के रूप में काम कर रहे थे। इसके अलावा जो इन्होंने तनख्वाह ली है, तो जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उनकी टीम के साथ में समन्वय बैठवा के इन पे गैंगस्टर एवं संपत्ति कुर्क या पैसे रिकवरी के भी कार्रवाई हमारी जो प्रशासन की टीम है उनके साथ मिलकर की जाएगी। ये कब से जॉब कर रहे थे सर? ये इन्होंने जो अभी तक विवरण बताया है तो पिछले 4-5 साल में ये एक्टिव रहे हैं एवं ये दो अभी हमारे पास जो है गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट इनके जो है उनको अवलोकन भी किया जा रहा है, विवेचना में अन्य तथ्यों को भी शामिल किया जाएगा और इसी तरीके के अन्य भी जो मुकदमे लिखे गए हैं फर्जी शिक्षकों के संबंध में, उन सभी को भी गिरफ्तार किया जाएगा एवं प्रशासन के साथ मिलकर इनकी रिकवरी या जो भी गैंगस्टर और संपत्ति कुर की कार्रवाई है वो भी करवाई जाएगी।